कोई पैसे का लेन देन नहीं करना अगर वो चीज होती है देन गाइज दैट इज समथिंग विच इज अगेंस्ट दी यू नो एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड बी वॉइड एज पर सेक्शन फाइव ऑफ दिस एक्ट अगर एक्सचेंज ऑफ मनी होती है गाइज दैट इज अ सिंबॉलिक ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग दिस इज समथिंग विच इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया एंड अगेंस्ट यूनि प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए सेक्शन सेवेंटीन को अलग से लिख दिया कि जब भी एक बच्चे की अडोप्शन होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ एक एक्चुअल गिविंग एंड टेकिंग सेरेमनी होनी चाहिए विद एन इंटेंशन ऑफ बोथ दी अडोप्टिव पेरेंट्स एंड दैचुरल पेरेंट्स टू गिव और टू टेक चाइल्ड इन अडोप्शन अपार्ट फ्रॉम दैट यू नो गिविंग इन टेकिंग सेरेमनी और कोई सेरेमनी की जरूरत नहीं है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी कंसीड्रेशन नहीं होनी चाहिए इन कंसीड्रेशन ऑफ अडोप्शन मतलब बच्चे को देने के बदले आपको कुछ नहीं लेना देर मस्ट नॉट बी प्रोक्यू कि बच्चा दिया तो उसके बदले मुझे कुछ चाहिए एक्चुअल गिविंग इन टेकिंग सेरेमनी मस्ट भी देर एंड नथिंग एल्स देर मस्ट नॉट बी एनी एक्सचेंज ऑफ मनी इन आई होप दिस थिंग इज क्वाइट क्लियर टू टू यू तो यही चीज़ लिखी है कि नो पर्सन शैल टेक और अग्री टू टेक ऑन द अदर हैंड नो पर्सन शैल गिव और अग्री टू गिव आपको ना देना है ना ही फ्यूचर में आपको अग्री करना है कि आज बच्चा मुझे दे दो और कल आपको पैसा मिल जाएगा तो फ्यूचर मतलब जो डेफॉल्ट ट्रांजेक्शन है वो भी प्रोहिबिटेड है आपकी इमीडिएट ट्रांजेक्शन भी प्रोहिबिटेड है इन कंसिड्रेशन ऑफ दैट अडॉप्टेड चाइल्ड आप कुछ नहीं लोगे और वाइज अगर आप ऐसी कोई अग्रीमेंट करते हो या इमीडिएटली कोई पैसे की ट्रांजेक्शन करते हो देन दैट इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अपू सिक्स मंथ और विद फाइन और बोथ तो कोर्ट की मर्जी है कि आपको इम्प्रिजनमेंट कितनी देनी है और फाइन लगाना है नहीं लगाना है अब इस सेक्शन यू नो सेवनटीन सब सेक्शन थ्री में ये भी लिखा है कि अगर आप इसके बेसिस पे कोई भी प्रोसिक्यूशन को लॉन्च करना चाहते हो कोई भी प्रोसिक्यूशन को इंस्टीट्यूट करना चाहते हो उसके लिए आपको स्टेट गवर्नमेंट के प्रवेश सैंक्शन की जरूरत है या फिर स्टेट गवर्नमेंट के किसी ऐसे ऑफिसर की हु हैज बीन ऑथराइज इन दिस बिहाफ आपको उनके प्रवेश सैंक्शन की जरूरत है अगर सैंक्शन मिलता है देन यू मे प्रोसीड फॉर द विद प्रोसिक्यूशन क्योंकि इस प्रोविजन की वायलेशन हुई है सेक्शन नाइन में भी मैंने आपको बताया था गाइस कि जो एक गार्जियन होता है अगर वो बच्चे को अडॉप्शन में देता है अंडर सर्टन सर्कमस्टांसिस बीच ऑलरेडी डिस्कस्ड तो उस टाइम पे उसको कोर्ट की प्रवेश परमिशन लेनी होती है एंड कोर्ट की जब प्रवेश परमिशन लेता है

गार्जियन व अदरवाइज आप पैसा लेन देन नहीं कर सकते लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि गार्जियन का कोई खर्चा हुआ है बच्चे को रखना भी है उसकी मेंटेनेंस भी करनी है बोथ हिज पर्सनल प्रॉपर्टी या फिर सेरेमनी ऑफ अडॉप्शन के दौरान अगर कोई एक्सपेंसेस हुए हैं तो गाइज वो वैलिड एक्सपेंसेस होते हैं विच हैव बीन इनकर्ड बाय द गार्जियन मे बी आउट ऑफ हिज ओन पॉकेट तो वो जो चार्जेस है वो पेएबल होते हैं कोर्ट सेंक्शन अगर करेगा तो वो चार्जेस मिलेंगे अपार्ट फ्रॉम दोज वैलिड सेंक्शनड चार्जेस आप कोई भी मनी एक्सचेंज नहीं कर सकते दैट इज़ प्रोहिबिटेड और उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है सो आई होप गाइज सेक्शन सेवनटीन इज क्वाइट क्लियर टू यू Still, guys, if you have any doubts pertaining to it, please comment in the comment box. I'll be coming up with more sections very soon, guys. Till then, guys, keep learning, keep shining, stay safe, and bye bye.